महंगाई से रातो रातो चुपती महंगाई तेरी कब होगी विदाई 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 कब होगी विदाई तेरी कब होगी विदाई रातो रातो महंगाई से रातो रातो महंगाई से रातो रातो तेरी कब होगी विदाई चुपती महंगाई तेरी कब होगी विदाई आज का हमारा यहाँ पर शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का प्रदर्शन महंगाई को लेकर था। देखिए पिछले 8 सालों से हम यहाँ पर जनता, देश की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। अच्छे दिन तो हमें नसीब नहीं हो रहे, मगर भूख से भरे हुए दिन इस समय जनता को नसीब हो रहे हैं। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल, किसी भी वस्तु को आप उठाकर देख लीजिए जो रोजाना इस्तेमाल की है, हर वस्तु के दाम इससे 2 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। आमदनी की बात करेंगे तो आमदनी इस समय आधी से भी कम रह चुकी है, यानी महंगाई इस समय साथ में आसमान पर पहुंच चुकी है, अंतरिक्ष के अंदर पहुंच चुकी है। वहीं आमदनी उनकी जो है वो धरातल छू रही है, जमीन पर औधे मुँह गिर चुकी है। इस समय महामारी का दौर चल रहा है, जनता को, आम आदमी को अपने परिवार के लिए पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। पौष्टिक आहार तो महंगाई से और आमदनी घटने से पहले ही दूर हो चुका है थाली में से, मगर आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त के लिए भरपेट खाना खिलाना भी मुश्किल हो चुका है। तो शिवसेना आज इस प्रदर्शन के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती है कि जनता को इस बढ़ती बेलगाम, बेकाबू होती हुई महंगाई से राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएँ, क्योंकि सरकार ने ये दिखाया है कि अगर सरकार ठानती है तो महंगाई नहीं बढ़ती। हाल ही के अंदर जो 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे, उन चुनाव प्रचार के दौरान और नतीजों से पहले बिल्कुल महंगाई नहीं बढ़ी। पेट्रोल के और डीजल और गैस के ऊपर 1 पैसे तक की वृद्धि नहीं हुई, यानी सरकार को ज़मीनी तौर पर जनता को राहत पहुंचाए। इसके साथ ही हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है कि जनता को इस महंगाई के दौर से लड़ने के लिए हर परिवार को 5,000 रुपया जो है उनके सीधे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया। महंगाई से रातो रातो चुपती महंगाई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है, आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।